दोस्तों टीवी इंडस्ट्री में शोमेकर्स जहां दर्शकों को हमेशा इम्प्रेस करने के लिए नई स्टोरीज के साथ पर्दे पर दर्शक देते हैं, तो वही हमारी टीवी इंडस्ट्री के कुछ ऐसे भी शोज हैं जिन्हें देखकर आपको किसी ना किसी बॉलीवुड फिल्म की स्टोरी याद आ ही जाएगी। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं शो की स्टोरी जहाँ बॉलीवुड फिल्मों से इंस्पायर्ड नजर आती है, तो वही हमारी टीवी इंडस्ट्री में ऐसे कई शोज हैं जिनकी स्टोरी नहीं बल्कि टाइटल बॉलीवुड के मशहूर और यादगार गानों से चुराए गए हैं। जी हाँ, और इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको टीवी इंडस्ट्री के उन्हीं टीवी शो से रूबरू कराएंगे जिनके नाम बॉलीवुड फिल्मों के गाने चुराए गए हैं। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। नंबर एक, बड़े अच्छे लगते हैं। एकता कपूर का साल 2011 में प्रसारित हुआ सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आया। शो में दिखाई गई कहानी दर्शक हमेशा ही देखने के लिए जाते थे। बता दें सीरियल की कहानी भले ही नहीं थी पर इसका टाइटल फिल्म बालिका वधू के गाने से लिया गया था। नंबर दो, दिया और बातिया। स्टार प्लस के सबसे पॉपुलर टीवी शोज में से एक रहा दिया और बाती हम, जिसमें संध्या के आईपीएस बनने की कहानी ने दर्शकों को खूब इम्प्रेस किया था। बता दें सीरियल का टाइटल भी अनिल कपूर की फिल्म विरासत के गाने के तारे है बाराती से लिया गया था। नंबर तीन, इस प्यार को क्या नाम दूं। वरुण सोपती और सनाया रानी स्टारर शो इस प्यार को क्या नाम दूं भी दर्शकों को खूब एंटरटेन करने वाला शो रहा था, जिनकी क्यूट सी लव स्टोरी दर्शकों को आज भी काफी याद है। बता दें स्टार प्लस के सुपरहिट सीरियल का टाइटल तुषार कपूर की फिल्म मुझे कुछ कहना है से लिया गया था। नंबर चार, ये रिश्ता क्या कहलाता है। टीवी इंडस्ट्री के सबसे मोस्ट पॉपुलर टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिसमें हम अब तक की तीन जनरेशन की स्टोरी देख चुके हैं, जिसने दर्शकों का खूब प्यार पाया। बता दें शो का नाम भी फिल्म मीनाक्षी के ये गाने ये रिश्ता क्या कहलाता है पर रखा गया। नंबर पाँच, कुछ तो लोग कहेंगे। साल 2011 में सोनी टीवी पर प्रसारित हुआ शो कुछ तो लोग कहेंगे भी हमारे इस लिस्ट में शुमार है। बता दें इस शो में हमें डॉक्टर निधि और आशुतोष के बीच एक काफ़ी खूबसूरत कहानी देखने को मिलती थी। बता दें शो का नाम अमर प्रेम फिल्म के मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग कुछ तो लोग कहेंगे से लिया गया है। नंबर छः, चांद छुपा बादल में। इस लिस्ट में आखिरी टीवी शो साल 2010 में आया चांद छुपा बादल में है, जिसमें हमें निवेदिता दिव्या और सिद्धार्थ की ट्रायंगल लव स्टोरी देखने को मिली थी, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। वहीं बता दें इस शो का नाम भी सलमान खान और ऐश्वर्या राय की ब्लॉकबस्टर फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने चांद छुपा बादल में लिया गया है। तो दोस्तों बॉलीवुड फिल्मों के गाने पर रखे गए इन टीवी सीरियल्स के बारे में जानकर आप क्या कहेंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।